शनि वक्री से बना केंद्र त्रिकोण राजयोग बदलेगी इन राशि वालों की किस्मत, होगी पैसों की बारिश। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। शनि की महादशा साढ़ेसाती और डैया लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। शनि देव को न्याय और कर्मदाता का दर्जा हासिल है। अक्सर लोग शनि का नाम लाते ही डर जाते हैं। हालांकि शनि का हर समय और हर एक को परेशान नहीं करते हैं। शनि अगर किसी जातक के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की कई कमी नहीं रहती। शनि करीब 2.5 वर्षों के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा शनि अपनी चाल में भी समय के साथ बदलाव करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं किन राशियों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेष राशि। शनि का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए सुफलदायी रहने वाला है साबित होगा। मेष राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके हर एक लक्ष्य पूरा होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा, धन लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। शनि का वक्री होना और फिर केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन आने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए एक साथ कई अच्छे अवसर की प्राप्ति संभव है। मनचाही नौकरी मिलने से आपका मन खुश रहेगा। वहीं व्यापार करने वाले लोग अच्छा मुनाफा कमाने के साथ व्यापार में अच्छा खासा विस्तार भी करने में कामयाब रहेंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। शनिदेव की वक्री होना आपके लिए शुभ संकेत है। कार्यों में मिलती आ रही सफलता अब सफलता में बदलने लगेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं जहां पर आपको अपने बिजनेस क्षेत्र में बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। सिंह राशि। शनि का वक्री होना आपके लिए नई आशाएं लेकर आने वाला है। आपको आर्थिक संकटों से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है और पहले वाली स्थिति की वापसी होगी। घर के सदस्यों का मान सम्मान बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके और घर में कभी भी धन की कमी ना हो। धन्यवाद।